हेलो स्टूडेंट, मैं सेल कुटियांजलि इन स्टैंडर्ड 3 ऑफ जनरल नॉलेज चैप्टर 3 स्ट्रेंज एनिमल्स। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम एनिमल्स। द वर्ल्ड हैज मैनी स्ट्रेंज एनिमल्स। सम आर इन द सीज एंड सम ओशंस, वाइल सम आर फाउंड ऑन अ लैंड। सम कैन बी सीन इन जू एंड स्पेशल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। सो द वर्ल्ड हैज मैनी स्ट्रेंज एनिमल्स। यहाँ पे हमें बहुत सारे स्ट्रेंज एनिमल्स देखने को मिलते हैं। सम आर इन द सीज एंड ओशंस एंड वाइल सम आर फाउंड ऑन लैंड। तो कुछ सी में होते हैं, कुछ ओशन में होते हैं, तो कुछ लैंड पे भी एनिमल्स होते हैं, तो कुछ जू में भी होते हैं और कुछ इन अ स्पेशल एरिया। रीड द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच एनिमल, आइडेंटिफाई एंड कम्प्लीट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए, उनकी पिक्चर दी है और उसके ऊपर से हमें उनके नाम लिखने हैं। और जो डिस्क्रिप्शन के हमें क्लूज बॉक्स जो है डिस्क्रिप्शन का, वो हमें पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है। सो फर्स्ट वन इज दिस एनिमल्स हैज अ सिटिंग ऑन इट्स टेल। इट्स बिलोंग्स टू द स्पाइडर फैमिली बट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ स्पाइडर्स। जो ये एनिमल है वो क्या होता है, स्पाइडर फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन वो स्पाइडर से डिफरेंट होते हैं। एंड दिस एनिमल हैज अ स्टिंग ऑन इट्स टेल। जो उनकी टेल है उन पर वहां पे स्टिंग्स भी होती है। तो इस एनिमल का नाम क्या है, तो एस पर से यहाँ पे क्या आएगा, स्कॉर्पियो। तो हमें ऑन पेज नंबर 9 पे स्कॉर्पियो दिया हुआ है, तो हम उसमें से लिखेंगे स्पेलिंग उसकी, एस सी ओ आर पी आई ओ एन। सो हियर ओ पी ओ, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट वन इज दिस एनिमल लुक्स लाइक अ बियर, इट्स मोस्टली इट्स अ बैम्बू लीव्स। तो ये एनिमल जो है वो किसके जैसे दिखते हैं, बेर जैसे दिखते हैं। एंड इट मोस्टली इट्स अ बैम्बू लीव्स, जो बैम्बू के लीव्स होते हैं वो ये खाते हैं। तो ये कौन सा एनिमल है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा शायद। तो इस एनिमल का नाम है पैंडा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ए एन डी ए। नेक्स्ट वन एनिमल, दिस एनिमल लिव्स इन अ वेरी कोल्ड ओशन वाटर, इट हैज अ टक्स लाइक दैट ऑफ एन एलिफेंट। तो ये जो एनिमल्स है वो ओशन में रहते हैं, ओशन का जो पानी होता है उसमें ही एनिमल्स होते हैं। और उनके पास क्या होती है, टस्क होती है, लाइक दैट ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट जैसी टस्क भी होती है। तो इस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, वॉरलर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, W A हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज L R U S, वॉल्डर्स। फोर्थ वन, दिस इज अ सी एनिमल, इट लुक्स लाइक अ स्टार, दे कम इन अ मैनी कलर्स। तो ये जो एनिमल है वो हम देख सकते हैं उसकी पिक्चर्स भी कैसी है, स्टार्स जैसे वो दिखते हैं। और ये ऐसी एनिमल्स होते हैं और उनकी वो स्टार जैसे दिखते हैं, नहीं वो मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स में होते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक इसी कलर में होते हैं, उनके बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, जैसा उसका शेप है उसका नाम भी वैसा ही होगा। तो इसका नाम क्या है, ये फिश कहलाती है और स्टार फिश, बिकॉज इस शेप इज लाइक अ स्टार। तो यहाँ पे एस डी ए आर एफ आई एस एच, स्टार फिश। दिस लिटल इंसेक्ट हैज इट्स ओन लाइट, इट्स लाइट फ्लैशेस व्हेन इट्स ब्रीथ्स। तो ये जो लिटल इंसेक्ट है उसकी खुद की लाइट होती है, मतलब कि हमने देखा होगा कभी जो एनिमल्स होते हैं उनकी लाइट्स होती है। तो वो एनिमल्स होते हैं और उनमें जो लाइट्स कब फ्लैश होती है, व्हेन इट्स ब्रीथ, जब भी वो सांस लेते हैं तभी उनकी जो ये लाइट होती है वो फ्लैश होती है। और उनके नाम क्या है, फायरफ्लाइज। तो एफ आई आर ई एल वाई, फायरफ्लाई। नेक्स्ट वन इज इट इज अ सी एनिमल विथ एन अम्ब्रेला शेप्ड जेली लाइक ट्रांसपर्ट बॉडी, इट हैज स्टिंगिंग टैंकल्स विच इट यूजेस टू कैच इट्स प्रे। तो ये जो है वो सी एनिमल है, उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप होता है और जेली लाइक होता है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनकी बॉडी। और उनके पास जो स्टिंगिंग टैंकल्स होते हैं विच इट यूजेस टू कैच इट्स प्रे, प्रे मतलब कि जो उनके जिसका वो शिकार करते हैं उसे प्री कहते हैं। तो ये उनके लिए वो क्या करते हैं, यूज करते हैं वो स्टिंकिंग जो उनके पास होती है उनका। तो इसे हम क्या कहेंगे, जेली फिश। तो जे ई एल एफ आई एस एच, जेली फिश। नेक्स्ट एनिमल इज दिस एनिमल लुक्स लाइक अ रेट,
Its body is covered by thick plates. When it's danger, it rolls itself into a ball protected by this its thick plates. तो जो इनकी बॉडी होती है हम पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, उनकी बॉडी पे जैसे प्लेट जैसी जो है वो शेप है, तो वो उनकी बॉडी पे प्लेट्स होती है जो वो बहुत ही थीक होती है, और वो जब भी उनको डेंजर फील होता है तो वो क्या करते हैं, उनकी जो प्लेट्स होती है उसमें खुद को रोल कर देते हैं और बॉल जैसा खुद को बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्लू बॉक्स दिए है, उसमें से उसका नाम क्या आएगा तो हम स्पेलिंग से भी पता चल कर सकते हैं। यहाँ पे ARM है, तो ARM वाला कौन सा स्पेलिंग है ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, आमाडिलो। सो ARMADILLO. So this animal is called Armadillo. Next one is, this frog has a bright colored skin. Its poison can paralyze the enemy. तो जो ये फ्रॉग होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राइट कलर के फ्रॉग्स होते हैं, और वो उनका जो पॉइजन होता है वो उनके जो दुश्मन होते हैं उनको पैरालिसिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम को इस एनिमल को हम क्या कहेंगे, तो पॉइजन डार्ट। सो यहाँ फर्स्ट वन इज पॉइजन डार्ट। नेक्स्ट वन इज दिस एनिमल लिव्स इन अ सी वाटर, इट यूजेस इलेक्ट्रिक शॉक टू इट्स प्रीज एंड एनिमीज। तो जो ये फिश है वो किसमें रहते हैं, सी वाटर होता है उसमें वो रहते हैं, और जो उनके जो प्रीज और एनिमीज होते हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उनको। तो इस एनिमल का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक इल। सो इट्स एनिमल कॉल्ड इलेक्ट्रिक इल। नेक्स्ट बी, राइट द लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर टू फाइंड द नेम ऑफ द एनिमल्स, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लू गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं जो क्लू है, और यहाँ पे उनके नाम है जिनको हमें लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में हमें लिखना है। यहाँ पे हमें वो स्क्रैम्बल दिए हुए हैं। सो फर्स्ट वन इज CEATHH। तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट पिक्चर दी है वो किसकी दी हुई है, चीता की पिक्चर दी हुई है। तो चीता का स्पेलिंग क्या होता है, सी देन एच डबल ई टी ए एच। तो फर्स्ट वन इज चीता। सेकंड पिक्चर जो हमें दी हुई है वो किसकी है, सेकंड वन इज ई एन ए पी एच एल ई टी। तो यहाँ पे ई से शुरू होता है, हमें कौन नाम देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्पेलिंग किसकी है, एलिफेंट की है। एलिफेंट एनिमल हमें यहाँ पे पिक्चर्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एलिफेंट। तो ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। थर्ड वन इज ये जो है वो किसकी पिक्चर है, एलिगेटर की पिक्चर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए एल आई जी ए टी ओ आर, एलिगेटर। तो यहाँ पे हमें एलिगेटर की पिक्चर भी दी हुई है। तो जो ये एलिगेटर्स की पिक्चर होती है तो हमें उस पर एनिमल का नाम ये लिखा। फोर्थ वन जो हमें दिया हुआ है वो किसकी स्पेलिंग बनेगी, तो लेपर्ड। तो लेपर्ड की पिक्चर भी हमें दी हुई है इसमें। लास्ट वन इज लेपर्ड। सो यहाँ पे क्या आएगा, लेपर्ड। फिफ्थ वन इज लामा। सो यहाँ पे एल एल ए एम ए, एंड लास्ट वन इज अ कैमल। सो हमें यहाँ पे जो 5-6 एनिमल थे उनके सारे को पिक्चर दी हुई थी, जैसे चीता, एलिफेंट, एलिगेटर, लेपर्ड, लामा एंड कैमल। तो ये सारे उनके पिक्चर्स में से उनके जो स्पेलिंग्स दिए हुए थे उनको हमने करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे लिख दिया है, ये भी आपको लिख देना है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन इज इट्स अबाउट अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स। तो इसमें हम अमेजिंग एनिमल्स फैक्ट्स देखेंगे। सो द वर्ल्ड ऑफ एनिमल इज फुल ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स, लेट्स नो अबाउट अ फ्यू ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अ फ्यू एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो फुल ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स, उनके बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं, तो उनमें से कुछ एनिमल्स के फैक्ट्स हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज अ हॉर्स। यहाँ पे हमें हॉर्स की पिक्चर दी हुई, तो हॉर्स के बारे में क्या इंटरेस्टिंग है वो हम देखेंगे। अ हॉर्स कैन स्लीप वाइल स्टैंडिंग। तो जो हॉर्स है वो खड़े खड़े भी सो सकता है, उसको सोने के लिए बैठने की जरूरत नहीं होती, वो खड़े खड़े भी सो सकता है।
So a horse can sleep while standing. The hair on its tail is used for making bows of a stringed musical instrument like the violin, the cello and the double bass. तो जो ये उसके जो हेयर होता है, जो टेल के हेयर होते हैं, हमें यहाँ पे पीछे पीछे में देख सकते हैं, उनका यूज किस तरह से होता है, जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिकल, जैसे वायलिन होता है, डबल बास होता है, सेलो, उनके जो स्ट्रिंग्स होती है उनमें किसकी यूज होती है, इस ये जो हॉर्स के टेल के जो हेयर होते हैं उसमें उसका यूज होता है. द नेक्स्ट वन इज अ स्नेक्स. अ स्नेक कैन लिव विदाउट अ फूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. ऑल स्नेक्स आर अ कार्निवोर्स. तो जो सारे स्नैक्स है वो एक वन ईयर तक वो कैसे क्या रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, बिना खाने का खाना खाए वो एक सॉरी अ ईयर तक वो रह सकते हैं. और ऑल स्नैक्स आर अ कार्निवोर्स. कार्निवोर्स की मीन्स की वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स मीन्स एनिमल दैट इट्स अ मीट. जो मीट खाते हैं वो सारे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स. सो यहाँ पे जो स्नैक्स होते हैं, सारे स्नैक्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, एंड वो एक वन ईयर तक भूखे भी रह सकते हैं. थर्ड वन इज अ स्टारफिश. अ स्टारफिश गो अ न्यू आर्म इफ इट्स लॉसिस एन आर्म. दे हैव टू डिफरेंट स्टमक्स फॉर अ डाइजेशन. ये जो स्टारफिश होती है वो उसके न्यू आर्म ग्रो करते हैं. हम यहाँ पे देख सकते हैं जो उसके आर्म होते हैं वो न्यू ग्रो कर सकते हैं. एंड दे हैव टू डिफरेंट स्टमक फॉर डाइजेशन. डाइजेशन के लिए उनके पास कितने स्टमक होते हैं, तो टू स्टमक्स होते हैं. थर्ड वन इज अ टॉर्टोइस. टॉर्टोइस हैव अ डॉम शेप्ड शेल्स ऑन देयर बैक. व्हेन इन डेंजर दे पुल देमसेल्व्स इनसाइड द शेल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टॉर्टोइस होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, एक डॉम शेप्ड शेल होता है. तो उससे वो क्या कर सकते हैं, जब भी वो डेंजर में होते हैं तो वो खुद को जो ये उनका जो बॉडी का दूसरा पार्ट है वो सब वो शेल में क्या कर सकते हैं, इनसाइड पुल कर देते हैं, और उसकी वजह से वो सेफ रह सकते हैं. फिफ्थ वन इज When attacked, the octopus escaped by spraying clouds of blue ink. Octopus have 8 arms and 3 hearts. तो ये पिक्चर जो है वो ऑक्टोपस की है. When attacked, जब भी ऑक्टोपस को अटैक किया जाता है तो वो क्या कर सकता है, बहुत ही स्पीड से वो बाहर से भाग सकता है. क्लाउड ऑफ द ब्लू इंक, वो खुद की जो ब्लू इंक निकालकर वो क्या करते हैं, बाहर से स्प्रे करकर वो क्लाउड बना देते हैं उसमें. एंड ऑक्टोपस हैव 8 आर्म्स एंड 3 हार्ट. और उनके पास कितने, 8 आर्म्स होते हैं, 3 हार्ट्स होते हैं. सिक्स वन इज अ स्लोथ्स आर कॉल्ड अपसाइड डाउन एनिमल बिकॉज दे यूजुअली हैंग डाउन फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्लीपिंग इन दैट पोजिशन. तो ये जो स्लोथ्स एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको अपसाइड डाउन एनिमल बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो ब्रांचेस होती है ट्री की उस पर वो हैंग डाउन करते रहते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्लीपिंग इन दिस पोजिशन. और वो इसी पोजिशन में सो भी सकते हैं, इसलिए इसको अपसाइड डाउन एनिमल्स भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वी इन दिस टू चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द एनिमल्स. एंड नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी अबाउट द प्लांट्स. एंड About plants, we will see in the next video.